बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वायरस बॉर्न डिजीजेस इन फिशेज। अगर हम लोग वायरस की बात करें तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। अब ये जो बहुत तेज़ी से जो वायरस है ना, किसी भी इंसानी जिस्म में या किसी भी जानदार की जो बॉडी में ना, बहुत तेज़ी से प्रोलाइफरेट कर जाता है, जिसकी वजह से जो है ना, जो डायग्नोस है उसको भी करना जो है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये उस सूरत में होता है जब वायरस का इन्फेक्शन जो है ना, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के साथ भी पाया जाए। अब मैं बहुत ज़्यादा प्रोबेबली जो पाई जाने वाली फिश के अंदर वायरस डिजीज़ है ना, उसको डिस्कस करने लगी हूँ। सबसे पहले है जी लिम्फोसाइट्स। कौन सी डिजीज है जी? लिम्फो लिम्फोसाइट्स ये ऐसी डिजीज है, ये ऐसी बीमारी है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज की प्रोलाइफरस ग्रोथ के नतीजे में इसकी फॉर्मेशन होती है। क्या होती है जी ये? बेसिकली क्या है? फॉर्मेशन है, किसकी फॉर्मेशन है ये? प्रोलाइफरस ग्रोथ की फॉर्मेशन है। किसमें प्रोलाइफरस ग्रोथ होती है? कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर। किसके अंदर? कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर। ये कौन से कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं? जो कि स्किन में पाए जाते हैं। ये बेसिकली क्या है? स्किन के कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर प्रोलाइफरस ग्रोथ होती है इन द केस ऑफ लिम्फोसाइट्स डिजीज़। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या निकला जी? इसका नतीजे में जब प्रोलाइफरस ग्रोथ हो जाती है तो उसके नतीजे में क्या हो जाती है? वार्ट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, वार्ट्स निकलते हैं। ये अब जो इंडिविजुअल सेल है ना, उसका साइज जो है ना 50,000 टाइम्स जो है ना, वो इंक्रीज कर जाएगा। इंडिविजुअल सेल ने कितना इंक्रीज होना है? 50,000 टाइम्स इन साइज। ठीक है, अब ये जो डिजीज है ना, इसको हम लोग लीथल ही कह सकते हैं। ये नॉट लीथल है। इसकी जो है ना, आसानी से ट्रीटमेंट करने में हम लोगों को जो है ना, वो नॉट लीथल बट कॉज डिसफिगरमेंट। ठीक है, अगर एक्सट्रीम केसेस देखे जाए ना, तो सेकेंडरी फंगस जो है ना, इन्फेक्शन, वो भी इसके नतीजे में होता है। इसके सिम्टम्स जो मैंने डिस्कस किए हैं, एक तो मैंने ये कहा कि ट्यूमर यानी कि वार्ट्स बनते हैं। दोबारा फिर लिख देती हूँ, सिम्टम्स क्या हैं जी? वार्ट्स बन जाते हैं, वार्ट्स या फिर दूसरे लफ्ज में क्या कहते हैं? ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? ट्यूमर की। इस पे होती है बॉडी के ऊपर। और इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स, नो क्योर, कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग जिस डिसीज की बात कर रहे हैं, एक तो हो गई लिम्फोसाइट, दूसरी है जी वायरल हेमोरेजिक सेप्टिक वाई, जिसको हम लोग VHS से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं VHS से, वायरल हेमोरेजिक सेप्टिका माई, VHS वायरल हेमरेजिक सेप्टिका। ठीक है, ये जो डिजीज है ना, ये हम लोग को रेनबो ट्राउट फार्म्स में नजर आती है। और इसका जो है ना एरिया, वो एक स्पेसिफिक एरिया है यूरोप। ठीक है, और ये सडनली जो है ना, ये क्रोनिक हो सकती है, शिद्दत इख्तियार कर सकती है। और इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है ना, वो बहुत ही ज्यादा है। क्या है मोर्टेलिटी रेट? क्या है? बहुत ही ज्यादा है। अगर हम लोग इसके सेप्टम्स की बात करें, किसकी बात करें? सेप्टम्स ऑफ VHS। सेप्टम्स क्या है इसके? इसके सेप्टम्स हैं आमतौर पर किडनी और लीवर, इसमें जो है ना इन्फेक्टेड होता है। फिश का किडनी और क्या लीवर क्या होता है? इन्फेक्ट होता है लीवर एंड
किडनी आर इफेक्टेड इन द केस ऑफ वी एच एस और बैली जो है ना उसके साथ साथ बी इसके साथ इफेक्ट होती है, ठीक है। बैली में क्या हो जाती है, स्वेलिंग होती है। बैली क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है, वो फूल जाती है। और क्या इसके साथ साथ फाउल स्वेलिंग येलविश फ्लूड विस्केरियल कैविटी में पाया जाता है। विस्केरियल कैविटी किस तरह से इफेक्टेड होती है, इफेक्ट ऑन विस्केरियल कैविटी, विसेरियल कैविटी। इसमें बेसिकली क्या होता है जी, येलविश फ्लूड पाया जाता है। कौन से फ्लूड पाया जाता है, येलविश, येलविश फ्लूड आर फाउंड, ठीक है। अगर हम लोग इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, नो क्योर ट्रीटमेंट, नो क्योर, नो क्यूर ट्रीटमेंट इसकी कोई भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जिस डिजीज की बात करने लगे हैं वो है इन्फेक्शियस पेनक्रिएटिक नेक्रोसिस, जिसको हम लोग आई पी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी डिजीज है, इन्फेक्शियस पेनक्रिएटिक नेक्रोसिस, इन्फेक्शियस पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस, इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई पी एन से, इन्फेक्शियस पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस। ये जो है ना बेसिकली एक कंटेजियस डिजीज है, ये सेल्मोनाइड्स में पाई जाती है और इसका भी खास किस्म के एरियाज हैं जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, जापान और यूरोप। ये कहाँ पाई जाती है, सेल्मोनाइड्स में। ये कौन सी डिजीज है, कॉन्टेजियस डिजीज है, ठीक है। और इसमें इसमें कौन से स्पेसिफिक एरियाज हैं, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है, नॉर्थ अमेरिका, जापान और यूरोप। ये जो वायरस है ना, ये ब्रिंग सडन एंड वाइड स्प्रेड डेथ टू यंग ट्राउट, इसके जरिए ना, इस डिजीज के जरिए बहुत ही तेजी के साथ से ना यंग ट्राउट है ना उसमें जो है ना वो उसकी डेथ होने के चांसेस हैं, यंग ट्राउट। और साथ साथ मैंने किसकी बात की थी, सेल्मोनाइड्स की, सेल्मोनाइड्स, ठीक है। इसके अगर हम लोग सेप्टम्स की बात करें, इसके सेप्टम्स में आ जाता है फिश जो है रिवॉल्व्स में इफेक्शन आ जाती है, वो इफेक्ट होती है। फिश रिवॉल्वमेंट क्या हो जाती है, वो इफेक्ट होती है। सीम डिसऑर्डरली करती है फिश, ठीक है। रिजिस्ट करती है फाइनली बॉटम के ऊपर, ठीक है। बॉडी कैविटी जो फ्लूड है ना उसका वाइट हो जाता है, ठीक है। ड्रैगिंग थ्रेड लाइक म्यूकस फिशिस बन जाती हैं, किसके ऊपर, एनस से। मैं यहाँ पे वन बाय वन इसके सेप्टम्स जो है ना वो लिख रही हूँ, सेप्टम्स ऑफ इन्फेक्शियस पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस। कौन कौन से हैं जी, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसकी जो रिवॉल्वमेंट है ना उसमें इफेक्ट पाया जाता है। क्या चीज इफेक्ट होती है, रिवॉल्व। दूसरी मैंने बात की कि इसकी जो है ना स्विम डिसऑर्डरली ये करती है, इस तरह की जो फिश होती है वो क्या करती है, स्विम करती है डिसऑर्डरली। फाइनली रीसेट एट द बॉटम, बॉटम के अंदर जो है ना रीसेट हो जाती है। बॉटम के अंदर क्या हो जाती है, फिश रीसेट एट द बॉटम, क्लियर है। बॉडी जो कैविटी है उसमें वाइट फ्लूड पाया जाता है। बॉडी कैविटी में कौन सा फ्लूड पाया जाता है, वाइट फ्लूड, ठीक है। इसके साथ साथ जो है म्यूकस फेसिस कम आउट फ्रॉम दी एनस, ये ड्रैगिंग थ्रेड लाइक म्यूकस है ना फेसिस कम आउट कहाँ से होता है, एनस से। अगर हम लोग इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो भी नो क्यूर है, ट्रीटमेंट
ऑफ इंफेक्शियस पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस, तो उसमें क्या आ जाते हैं, नो क्यूर, नो क्यूर, क्लियर है ये चीज। अब इंफेक्शियस हेम्योपोएटिक नेक्रोसिस की हम लोग बात करने लगे हैं। ये भी एक वायरल डिजीज है जो कि सेलोनाइट्स में ही पाई जाती है। आमतौर पर ये कॉमनली जो है ना नॉर्थ अमेरिका और जापान में होती है। कहाँ पे होती है, नॉर्थ अमेरिका और जापान में होती है। किस डिजीज की बात करने लगी हूँ, इन्फेक्शियस हेमोपोएटिक नेक्रोसिस की। ये कौन सी डिजीज है, ये भी एक वायरल डिजीज है, इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस हेमो पोएटिक नेक्रोसिस। इसको हम लोग आई एच एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फेक्शियस हेमोपोएटिक नेक्रोसिस। ये कोई ऐसी डिजीज है, ये भी वायरल डिजीज है। कैसी डिजीज है, ये वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज। अब ये इससे कहाँ पे ज्यादा इफेक्ट होना है, सेलमोनाइट्स में, और स्पेसिफिक एरिया जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जापान, और ज्यादातर जो इन्फेक्टेशन होते हैं ना वो फ्राई, यानी कि जो अर्लीस्ट स्टेज में जो फिशेज होती है ना वो, और ये हाईली लीथल है। ये कैसी डिजीज है, हाईली लीथल। इसके अगर हम लोग सेप्टम्स की बात करें, सेप्टम्स ऑफ इंफेक्शियस हेमोपोएटिक नेक्रोसिस, सेप्टम्स, सेप्टम्स हैं जी, बेली जो है ना इन्फ्लेटेड हो जाती है। बेली क्या हो जाती है, इनफ्लेटेड हो जाती है, बेली इनफ्लेटेड, ठीक है। थ्रेड लाइक म्यूकस एक्सूड होता है एनस से, कैसा, थ्रेड लाइक म्यूकस एक्सक्रीट, ठीक है। इसका भी कोई भी क्यूर नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है, नो क्यूर, ट्रीटमेंट ऑफ इंफेक्शियस हेमोपोएटिक नेक्रोसिस, नो क्यूर, नो क्यूर।